गुड आइंसी दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आपके सामने नए वीडियो के साथ। आज प्रोडक्ट टिप ऑफ द डे IMC का मैग्नेटिक एनर्जी NIN सैनिटरी नैपकिन्स। ये शुरू करने से पहले मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत बड़ी तादाद में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना वीडियोस को लाइक कर रहे हो। मैं देख रहा हूं आप नीचे कमेंट्स में लगातार बहुत सारे टॉपिक्स लिख के दे रहे हो कि सर इसका बनाइए, उसका बनाइए। सर मैं यकीन दिलाता दोस्तों, आने वाले समय में आप लोग जितने भी कमेंट्स मुझे दे रहे हो सभी टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो ऐसे ही अपने सजेशंस मेरे सजेशन बॉक्स में देना ना भूले। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी NIN सैनिटरी पैड। वाई आज की तारीख में अगर आपको मैं बताऊं कि महिलाओं में 70% कैंसर जो आज की तारीख में जो डिटेक्ट हो रहा है, उसका जो कारण पाया गया है सैनिटरी पैड, यूज ऑफ अनहाइजीनिक सैनिटरी पैड। फ्रेंड्स, मार्केट में जो पैड्स अवेलेबल है पूरी तरह से सिंथेटिक होते हैं, केमिकल्स भरपूर होते हैं उसके अंदर। एक केमिकल जब हम लोग बात करते हैं पैड्स की, एक केमिकल के बारे में आपको जरूर बताऊंगा यहां पे, डायोक्सिन। डायोक्सिन केमिकल इट्स अ स्लो पॉइजन। जैसे ही जो केमिकल बेस्ड महिला वहां पे पैड्स यूज करती है, डायोक्सिन नामक केमिकल रिलीज होता है जो महिला के शरीर में धीरे 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 करके प्रवेश करता है। एंड वन फाइन डे, क्योंकि एक महिला अपने पूरे फर्टिलिटी साइकिल में 15,000 पैड्स यूज करती है दोस्तों, 15,000 पैड्स, राइट? सो ह्यूज नंबर। तो यही कारण 70% कैंसर केसेस हैव बीन डिटेक्टेड हैव बीन लिंक्ड टू अनहाइजीनिक यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स। How IMC pad is different from the market? ये बताने के लिए आपके सामने यहां पे मैं उपस्थित हुआ। First, 7-layer market के जितने भी pads है, they are only 3-layered pads। हमारा जो है 7-layer of protection, 7-layer। आप देख सकते हो resealable। ये हमारा जो है पूरी तरह से seal guard है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं पूरी तरह से घुस जाते हैं। आप अगर मार्केट के पैड देखोगे, उसको फाड़ के उसको रीसील नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, इसको रीसीलेबल पैड ने दिया है ताकि बैक्टीरिया की एंट्री ना हो। 7 लेयर में क्या क्या दिया गया है मैं थोड़े आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट, 3D लीक गार्ड, यानी कि जब महिला जंपिंग स्पोर्ट्स ट्रेवलिंग में होते हैं तो कई बार ब्लड लीक होने का चांसेस आता है, 3D लीक गार्ड से प्रोटेक्टेड हमारा ये पैड। सॉफ्ट मेडिकल ग्रेड सरफेस फॉर इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन, बहुत ही मेडिकल ग्रेड का कपड़ा इसके अंदर यूज किया गया है। प्योर प्लांट फाइबर नैनो कोर पेपर जो यूज किया गया है, प्योर प्लांट फाइबर नैनो कोर, राइट? अगेन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही बढ़िया, आपका जो पैड है वो ब्रीथ करता है। स्टरलाइज्ड पेपर, स्टरलाइज्ड यानी कि हम जो डायोक्सिन की बात कर रहे थे, यहां आने का कोई चांस ही नहीं, राइट? स्टरलाइज्ड पेपर यूज होता है। सैप क्रिस्टल मार्केट के जितने भी पैड्स होते हैं उनमें क्षमता जो होती है केवल 50 ml एब्जॉर्प्शन की होती है, जबकि यदि IMC के पैड की बात करूं लगभग 200 ml एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। यानी कि ये उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जिनको बहुत हेवी, टू वेरी हेवी पीरियड्स होते हैं, खासकर जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड है, मेनोरेजिया है, उनको कई बार पैड्स बार बार बदलना पड़ता है, तो ये आपको उससे छुटकारा दिलवा सकता है। सैप क्रिस्टल्स, राइट? सैप क्रिस्टल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, एकदम जबरदस्त जेल टेक्नोलॉजी यूज की गई है ताकि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ब्रीदेबल वॉटर प्रूफ बॉटम, ब्रीदेबल, मार्केट के जितने भी पैड है सिंथेटिक है, अगर आप उसको फाड़ के देखो तो पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं, प्लास्टिक से बनाए हुए, और हमारे जो शरीर की जो स्किन है ये सांस लेती है, ब्रीथ करती है, लेकिन प्लास्टिक या सिंथेटिक
मटेरियल जब यूज होता है, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, जिसके कारण महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सबसे ज्यादा इंफेक्शन होते हैं, उनको गर्मी बहुत लगती है, रैशेस बहुत आ जाते हैं। ये इसी कारण होता है क्योंकि सिंथेटिक पैड्स यूज होते हैं। तो यहां पे ब्रीदेबल वाटरप्रूफ बॉटम बनाया गया है ताकि ये पैड के माध्यम से वहां पे ब्रीथ कर सके अपनी स्किन। ये मैं आपको पैड खोल के भी दिखाता हूं, पूरी तरह से सील किया हुआ, बहुत प्रोटेक्शन से बनाया हुआ, हाई लेवल रिलीज पेपर, इजी टू पील, इजी टू पील, बहुत इजी टू पील, हाई लेवल रिलीज पेपर, इजी टू पील एंड स्टिक वेरी इजीली। और इसके अंदर जो मेन, जिसके लिए ये जाना जा रहा है या जिसके लिए हर महिला को, जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, ये जो बीच में ये जो लाल कलर की स्ट्रिप दिख रही है, ये है एनायन चिप, जिसके कारण जो महिलाओं को जो चिड़चिड़पन, दे आर वेरी इरिटेबल ड्यूरिंग पीरियड्स, बहुत चिड़चिड़ डिप्रेस्ड साउंड करती हैं, वो लोग बहुत डिप्रेशन में रहती हैं, उनका फटीग लेवल, थकान वगैरह लगना बहुत आम बात है, लेकिन ये जो चिप है, ये चिप के कारण उनको, उन महिलाओं को बहुत सा फायदा मिल जाएगा। अगेन ये मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इनके बेसिक यूजेस क्या क्या है। हमारे आईएनसी पैड में ये चिप लगने के कारण इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति, जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उनकी उनको सर्दी खांसी से लेके जो भी इंफेक्शन से बहुत आसानी से लग जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हार्मोन बैलेंस, महिलाओं के पीरियड्स आगे पीछे कभी 10 दिन पहले कभी 15 दिन बाद बहुत कम जा रहा है, हार्मोन बैलेंस, वाइट डिस्चार्ज, खासकर सफेद पानी की अगर महिला को शिकायत है तो वाइट डिस्चार्ज में अगेन ये बहुत फायदेमंद साबित होता है, एलिमिनेट्स बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, जिसके कारण स्मेल बहुत ज्यादा आती है, स्मेल पीरियड्स के दौरान जो स्मेल आता है वो बैक्टीरिया के एक्यूमुलेशन के कारण आता है, तो ये एलिमिनेट्स बैक्टीरिया। सूजन, महिलाओं को पार्ट्स में सूजन बहुत आ जाती है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना, तो ये ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, तो महिलाओं को सूजन भी कम करने में काम आता है। चेकिंग इन्फेक्शंस, जो छोटी मोटी, दे आर वेरी वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस ड्यूरिंग पीरियड्स, तो ये इन्फेक्शंस को चेक करने के लिए हमारा जो एनआईएन पैड है जबरदस्त काम आता है। और लास्ट में लिखा हुआ है एनआईएन चिप, राइट, ये चिप जो मैंने बताया, जो ये चिप के कारण इस पैड को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड, 7 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है, जो आज हम लोग यहां पे, वैसे तो कई सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, और ये जो वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं, हमारे डायनामिक लीडर मिस्टर लोकेश गुप्ता और ऋतु गुप्ता, इनके घर से डायरेक्ट लाइव हम शूट कर रहे हैं, दिल्ली, राइट, दिल्ली। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके कुछ इंफॉर्मेशन, आपके कुछ काम आया होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस आप नहीं चाहते कि आपकी टीमों तक डायरेक्ट पहुंचे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो डॉक्टर आनंद वाजपेयी को सर्च करिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करिए और वहां पे बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी ऐसे कोई वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि आप क्या क्या टॉपिक्स पर मुझसे वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड व्यस्त रहिए। गुड आईएनसी।